हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परपेचुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स, डीसी के स्टूडेंट्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए कोर सब्जेक्ट होता है, जो कि दूसरे सब्जेक्ट के लिए फाउंडेशन का काम करता है। इलेक्ट्रिकल गेट में 3 to 4 क्वेश्चन हर साल इस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और स्टेट पीएसयू या फिर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, आरआरबी जेई या कोई भी प्रकार के एग्जाम्स में ये इसमें पीएसयू में 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसे कि हम जानते हैं ट्रिपल ई सब्जेक्ट के कोर सब्जेक्ट्स होते हैं मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम। सेम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए एनालॉग एंड कम्युनिकेशन और ईएफटी बेसिक सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट होता है और इन सब्जेक्ट के स्टडी के लिए नेटवर्क का एनालिसिस और उसमें से आउटपुट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेटवर्क एनालिसिस की सहायता से हम किसी भी सर्किट का को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने से पहले या उसके डिजाइन को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका आउटपुट चेक कर सकते हैं। इस वजह से नेटवर्क एनालिसिस सब्जेक्ट जो है वो बेसिक कोर सब्जेक्ट बनता है। तो आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें ये टॉपिक कवर होंगे। पहला लेक्चर बेसिक पे बेस्ड है, बेसिक ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। तो टॉपिक जो कवर होंगे लेक्चर के अंदर वो है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट होता क्या है ना, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी क्या क्या होती है, सर्किट के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, सोर्सेस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, ब्रांच और नोड में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो सर्किट एनालिसिस या नेटवर्क एनालिसिस के बहुत सारे लॉज हैं, पर इस लेक्चर में हम वो बेसिक लॉज पढ़ेंगे जो है किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ और सब एप्लीकेशन में देखेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट्स में। और लास्ट टॉपिक जिसका लेक्चर एंडिंग है वो है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विद बेसिक एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। नेटवर्क एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, अब सबसे पहले ये सवाल आता है मन में कि सर्किट होता क्या है। तो हम जानते हैं कि हमारा मेन एम है इलेक्ट्रिकल, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट और एन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी टू ट्रांसफर अवर एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द पॉइंट ऑफ रिसीव। अब मेरे पास तो पॉइंट ऑफ सोर्स है बैटरी और मुझे बल्ब को एनर्जाइज करना है। इन दोनों के बीच में मुझे एक इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बनाना पड़ेगा जिससे कि मैं अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इजिली ट्रांसफर कर पाऊँ। तो इस केस में हमारे कनेक्टिंग वायर्स हैं वो एज अ कनेक्टिंग पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा बल्ब एनर्जाइज हो जाएगा। तो यही इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म क्लोज पाथ, इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। बट स्टडीिंग सर्किट वी कम अक्रॉस टर्म कॉल्ड नेटवर्क। सो हियर वी विल डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेटवर्क एंड अ सर्किट। तो पढ़ते हैं कि नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस है। तो किसी भी नेटवर्क के सर्किट के फॉर्मेशन के लिए हमें चाहिए कि सारे कंपोनेंट, हमारा इलेक्ट्रिकल जितने कंपोनेंट्स हैं वो कनेक्टेड हो। तो ये डिफरेंस और ये सिमिलैरिटी है नेटवर्क और सर्किट की कि ऑल कंपोनेंट्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। सर्किट की भी यही खासियत है कि सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड रहते हैं। ये सेकेंड पॉइंट है, इट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड अ सर्किट। तो अ नेटवर्क इट मे और मे नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ, बट अ सर्किट ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड पाथ। सर्किट में हम बेसिकली करंट फ्लो कराते हैं, इस वजह से सर्किट डिजाइन ऐसे की जाती है कि हमेशा क्लोज पाथ फॉर्म करें, बल्कि नेटवर्क ये क्लोज हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हमारे सेकेंड डिफरेंस से ही हमारा थर्ड डिफरेंस डिराइव होता है कि सिंस अ नेटवर्क कैन बी क्लोज्ड और इट कैन नॉट बी क्लोज्ड, सो ऑल नेटवर्क आर नॉट सर्किट। मतलब
नेटवर्क के, नेटवर्क जो है क्लोज है जिनमें क्लोज पाथ है और क्लोज पाथ नहीं है, तो दो नेटवर्क के साथ क्लोज पाथ भी डिफाइन करना है सर्किट, और सर्किट ऑल सर्किट आर नेटवर्क। अब नेटवर्क में भी क्लोज पाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दूसरे से करंट फ्लो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि सर्किट में करंट जो है वो इंटेंडेड टू फ्लो होती है। सर्किट की डिजाइनिंग ही ऐसी की गई है कि इसमें करंट फ्लो हो सके। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं सर्किट का, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आए, तो हम हमारे जो वायरिंग वगैरह की वो बेस्ट एग्जाम्पल होती है एक सर्किट डिफाइन करने की। और नेटवर्क के लिए एग्जांपल ले लेती हूँ, कम्युनिकेशन सिस्टम है मोबाइल टावर का, जहाँ पे हमारा एक इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो बट कोई भी क्लोज लूप या क्लोज पाथ फॉर्म नहीं किया गया है। तो मोबाइल टावर जो बेस्ट एग्जाम्पल हो ऑफ नेटवर्क। नाउ कमिंग टू बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज, चार्ज इज द बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इन एनी नेटवर्क इन एनी सर्किट। तो हम एलिमेंट्री फिजिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि चार्ज क्या होता है, तो लेट मी रिव्यू फॉर यू। जैसे कि हम जानते हैं ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है एटम। एटम में होते हैं पार्टिकल्स, एटम के पार्टिकल्स हमारे हो गए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। हमारा एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, विच मीन्स कि हमारा जो कूलम है वो एक लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं किसी भी चीज के, वो होते हैं हमारे चार्ज, और चार्ज की जो बेसिक क्वांटिटी होती है उसको कूलम कहा जाता है। नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ दिस कूलम इज द लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड वी से दैट आवर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर चार्ज, है ना। तो अब मुझे पूछना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम को चार्ज कंज्यूम करते हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन से 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम को चार्ज होता है। Therefore, 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी इक्वल टू 1 अपॉन दिस वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹। दैट मींस वी हैव 1 कूलम ऑफ चार्ज है हमारे पास 6.24 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे एक कूलम ऑफ चार्ज। दैट मींस कूलम इज अ लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। ओके क्लियर। तो उसका एक लॉ है, बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो भी हम इलेक्ट्रिक सिस्टम पढ़े हैं वो है कि चार्जेस जो होते हैं वो कभी भी क्रिएट या डिस्कवर नहीं किए जा सकते, वो हमेशा वन बॉडी से अनदर बॉडी में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। सेकेंड हमारा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बेस वो है करेंट। हमने चार्ज को पढ़ लिया, चलिए देखते हैं करंट क्या होता है। करंट से भी हम वेल ऑक्यूपाइड हैं, हम जानते हैं कि करंट होता क्या है, तो ये डिफाइन करते हैं एक बार। अब हमारे पास चार्जेस तो आ गया ना, तो एक ही ट्यूब ट्यूब है जिसमें मेरे एटम्स या मेरे चार्जेस रखे हुए हैं। यहाँ पे स्पेस में मैंने एक सोर्स ऑफ ईएमएफ या फिर मैंने एक बैटरी सोर्स लगा दिया, जैसे हम बैटरी और इस ट्यूब को कनेक्टिंग वायर से जो कनेक्ट करूंगी, व्हाट विल हैपन, द पॉजिटिव चार्जेस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव चार्जेस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी लीडिंग टू अ मूवमेंट और फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कंस्टिट्यूट अ करंट, मतलब चार्ज के फ्लो होने की गति को हम करंट कहते हैं। देखो ये इक्वेशन भी दिखा रहा है कि करंट इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ यस और मूवमेंट ऑफ चार्जेस। तो अब हमने चार्ज और करंट को समझ
जो है हम डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक भी बढ़ाने से पहले वही फोन करेंगे। टॉपिक पढ़ा चार्ज और करंट से रिलेटेड, आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जिससे ये कंसेप्ट और क्लियर हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय 4600 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी हमने चार्ज और करंट का कंसेप्ट पढ़ा है, आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय 4600 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्स। तो 4600 इलेक्ट्रॉन्स कितने चार्ज कैरी करेंगे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 4600 इलेक्ट्रॉन्स कितने चार्ज कैरी करेंगे, इसलिए हम इस वैल्यू को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4600 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, 4600 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज रहता है वो, इसकी वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो 7.36 × 10⁻¹⁶ कूलम्स आएगा। अब बात करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में एग्जाम में आया तो हमारे पास ऐसे चार ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका रहेगा, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आपको दिया रहेगा 7.36 × 10⁻¹⁶ कूलम्स। बी ऑप्शन रहेगा −7.36 × 10⁻¹⁶ कूलम्स। सी ऑप्शन रहेगा कुछ वैल्यू × 10⁻¹⁶ कूलम्स। और डी ऑप्शन भी रहेगा सम वैल्यू × 10⁻¹⁸ वैल्यू। तो इस एमसीक्यू के फॉर्म में हम इस वाले ऑप्शन में राइट क्लिक करेंगे, टिक मारेंगे, जिसमें ऑप्शन है −7.36 × 10⁻¹⁶ कूलम्स, क्योंकि हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक नेगेटिव पार्टिकल होता है और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करते वक्त हमेशा नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा −7.36 × 10⁻¹⁶ कूलम्स और ये इसका आंसर रहेगा। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, टोटल चार्ज एंटरिंग अ टर्मिनल इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू 5t sin 4πt मिलीकूलम्स, कैलकुलेट द करंट एट टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। मतलब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है चार्ज एक टर्मिनल में एंटर कर रहा है, चार्ज का इक्वेशन दिया है 5t sin 4πt मिलीकूलम्स में। अब हमसे पूछा गया है कि करंट निकालना है 0.5 सेकेंड में। तो ये दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं जिससे हमको करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था करंट जो होता है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है। तो इससे हमें करंट के लिए इक्वेशन डिराइव होगा I इज इक्वल टू dQ/dt। अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। जब चार्ज को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये चार्ज का इक्वेशन दिया है ये इस फॉर्म का है टी साइन ऑफ ए टी। तो अगर टी साइन ए टी को आप डिराइव करेंगे, डिराइव करने के बाद इसका जो डेरिवेटिव निकलता है वो इस फॉर्म में रहता है, टी साइन ए टी की वैल्यू आती है साइन ए टी प्लस ए टी कॉस ए टी। ओके, तो अब चार्ज की इक्वेशन को डिराइव करने के बाद हमें ये आउटपुट मिला है। क्वेश्चन और इसको कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे, ये इक्वेशन और इस टर्म को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू है 4π। आइए ए की वैल्यू को
इस फॉर्म में पुट कर देते हैं, इससे आई क्या हो जाएगा, 5 sin 4πt प्लस टी। अभी सब्सिट्यूट नहीं कर रहे हैं टी की वैल्यू, टी को एज इट इज रहने देंगे, 4π cos 4πt। अब हम जिस टाइम बीइंग में करंट निकालना है उसको भी सब्सिट्यूट कर देते हैं, आई की वैल्यू हो जाएगी 5 sin 4π × 0.5 प्लस 2π cos 4π। ये 2π कहाँ से आया, 4π × t, 4π × 0.5। यहां से ओके 2π cos 4π × 0.5। साइन 2π की वैल्यू होती है 0, cos 2π की वैल्यू होती है 1, तो उसको सब्सिट्यूट करेंगे तो फाइनल हमें रिजल्ट मिलेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 10π, और जैसे कि हम जानते हैं पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो फाइनल रिजल्ट हमारा ये है, आई की वैल्यू 31.42 मिली एम्पियर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ क्यू इज इक्वल टू 10 − 10 e⁻²t मिली कूलम्स, फाइंड द करंट एट टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, इसमें क्या दिया है, चार्ज की वैल्यू दी हुई है जिसको जिससे हमको करंट फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि करंट इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। यहाँ पर भी ये इक्वेशन यूज होगा, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो इस इक्वेशन को डिराइव कर लेंगे, इसका आउटपुट क्या निकलेगा, कांस्टेंट का डेरिवेशन होता है 0, 10 को आप डिराइव करोगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ओके। −10 e⁻²t, इसको आप डिराइव करोगे तो इसका डेरिवेशन ऐसा निकलता है, माइनस साइन को रहने देते हैं, e⁻²at is e⁻²at only। तो ये फाइनली इसका आ जाएगा डेरिवेशन करने के बाद 20 e⁻²t। इसमें भी हम टाइम की वैल्यू रख देंगे 0.5, तो हमें इस इक्वेशन से ये आउटपुट मिलेगा, ये हमारे करंट की वैल्यू है, ठीक है। इक्वेशन और सॉल्यूशन नोट कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द टोटल करंट एंटरिंग अ टर्मिनल बिटवीन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द करंट पासिंग द टर्मिनल इज आई इज इक्वल टू 3t² − t एम्पियर। ये क्वेश्चन पहले के दो क्वेश्चन, एंटरिंग अ टर्मिनल बिटवीन टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड एंड टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द करंट पासिंग द टर्मिनल इज गिवन बाय द इक्वेशन आई इज इक्वल टू 3t² − t एम्पियर। जैसे कि हम जानते हैं चार्ज होता है, क्योंकि करंट होता है डेरिवेशन या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, देखो अगर करंट से चार्ज की इक्वेशन निकालनी है तो हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हमें टाइम इंटरवल 1 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करना है, इस वजह से करंट के इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे इस टाइम बिंग में, तो इसका रिजल्ट हमें 3t² का इंटीग्रेशन करेंगे तो t³ आएगा, और t का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमको वैल्यू देगा t² / 2। तो चार्ज का इक्वेशन हमें मिल गया है t³ − t² / 2 के फॉर्म में, इसमें हम इंटीग्रेशन की वैल्यूज रखेंगे t = 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन करने के बाद टी की वैल्यूज पुट करेंगे, हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट, तो हमें चार्ज की वैल्यू मिलेगी 5.5 कूलम्स। तो
इस इक्वेशन में हमें करंट की वैल्यू दी हुई थी, हमने इसको इंटीग्रेट करके चार्ज के लिए इक्वेशन निकाल लिया और उसके बाद टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट किए हैं।